हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम और पहलागन। अपना उत्तराखंड, अपना रोजगार, ये एक बहुत ही शानदार श्रृंखला हमारे इस YouTube चैनल पर चल रही है दोस्तों, जो आप देख रहे हैं लगातार। और इस श्रृंखला में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव चल रहा है, जब आप देख रहे हैं कि एक मजबूत पोल्ट्री फार्म कैसे बनाया जाए। और इस श्रृंखला जो मजबूत पोल्ट्री फार्म की है हमारे, और उस श्रृंखला में हम लोगों ने आपको अभी तक 6 पार्ट दिखा दिए हैं। और 6 पार्ट में आप लोगों ने दोस्तों अभी देखा कि सेड कैसे शुरू करना है और कैसे कैसे वो बनना है। और मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि ये जो अपना उत्तराखंड अपना रोजगार श्रृंखला है ना, इसमें हम आपको ज़रूर पोल्ट्री नहीं, उसके अलावा कुछ और भी चीज़ें समय समय पर दिखाएंगे, ऐसा मेरा वादा है आपसे। और जल्दी ही हम आपको फिशरी पे भी एक श्रृंखला देंगे, और उसके अलावा जो भी कुछ हम संभव हो पाएगा वो करेंगे। लेकिन जो इससे पहले आपने 6 पार्ट इसके देखे हैं वो आपने पसंद किए, इसके लिए धन्यवाद। मैं आपके 6 के 6 पार्ट्स के आपको थंबनेल दिखा रहा हूँ। Part 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, तो ये 7 पार्ट आपके पास पहुँच गए हैं। इस पार्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है ना, कि ऑलमोस्ट हमारा सेट का काम पूरा हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया था, जो रिच लगने वाली बात है सेट में वो लग गई है। और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा सा सेड देखिए, दूर दिखाई दे रहा है, अगर आप देख पा रहे हो तो कुछ इस तरह का सेड अब दिखने वाला है। लेकिन ये सेड की जो रिच है ये कैसे बनी, मैं क्योंकि आपको शुरू से सभी चीज़ें बता रहा हूँ, तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि ये रिच का जो निर्माण हुआ ना, एक जो सीट पड़ी हुई थी उसके ऊपर फिर एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसके लिए छोटी सी कैंचियाँ बनाई गई पहले, उन कैंचियों को जो अभी आप वीडियो में देखेंगे ना, हमने कलर करके 1.5-1.5 फिट के पोल काट के रखे थे ग्रीन कलर के, अभी आप देख रहे हैं, देखेंगे, उन पर कैंचियाँ स्ट्रक्चर की गई हैं। और उसके बाद उसके ऊपर ये टिन पट रहा है, साइड से जाली लगी हुई है ताकि कोई जानवर अंदर ना जाए। तो देखिए कि कैसे ये जो है ऊपर का जो रिच है उसका निर्माण हुआ, उसकी तैयारी आप देखिए। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहूँगा फिर से कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आप देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लो बॉस, लाइक कर लो, क्योंकि अभी तो सेट बन ही रहा है और अब होगी बात असल में पोल्ट्री। आने वाले हमारे जो एपिसोड होंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि सेट का पूरा रखरखाव कैसे करना है, पहली बार चिक्स आते हैं तो उनको लिए आपको क्या क्या करना है, चलिए वो तो बात की बात है, लेकिन एक बार आप सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है ना उसको ज़रूर दबाइएगा। मैं चैनल का देखिए फ्रंट पेज, इस पर आपको इस तरह से सब्सक्राइब करना है जैसे ये किया, और ये बेल आइकन दबाना है, बस हो गया काम। तो आइए देखते हैं कि ये जो रिच है इसके निर्माण की प्रक्रिया क्या रही, और उसके बाद मैं आपको छत के ऊपर लेके चलूँगा, वहाँ से दिखाऊँगा कि कैसे जाली लगाई जा रही थी, कैसे सीटें बैठाई जा रही थी, हमारे मिस्त्री से भी थोड़ी सी बात करेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि जो सीट के नीचे जो जाली लग रही है वो कैसे लग रही है, चलिए देखते हैं। ये देखिए, सबसे पहले रिच के निर्माण के लिए कैंची का निर्माण किया जा रहा है, जिसको आप देखेंगे ये ऊपर लगाई जाएगी, ये हमारे मिस्त्री देखिए कैंची बना रहे हैं, जिसको नीचे ही बना लेना ठीक है। और उसके बाद इस कैंची में पेंट कर लेना है, आपको पेंट नीचे ही कर लेना है क्योंकि बारीक जगह में ऊपर पेंट होना मुश्किल होता है। देखिए कैंचियों को एक एक कर बना के रखा जा रहा है और उस पर पेंट कर लिया जा रहा है। इसके बाद इन कैंचियों को प्रॉपर उठाकर ऊपर ले जाएंगे छत में, और ये जो आपको देख रहे हैं ना साइड में पाइप, ये खड़े किए जाएंगे, हमने काट के रखा है, पेंट भी कर दिया है, इनमें भी पेंट करना थोड़ा मुश्किल होता है बाद में, इनको ही ये देखिए अब इस पर ही पाइप पर वो कैंची को खड़ा किया गया है। हमारे मिस्त्री द्वारा इसकी प्रॉपर नाप जोप की जा रही है, मेज़रमेंट किया जा रहा है कि सभी कैंचियाँ एक ही हाइट पर रहें। आप देखिए जहाँ मिस्त्री ने हाथ से पकड़ा है वो सीधे पाइप हैं और उसके ऊपर कैंची को वेल्ड किया जा रहा है, ये देखिए
ये पूरी कैंची को वेल्ड किया जा रहा है, ये पहली कैंची लग रही है और अब आप देखिए ये आधी से ज़्यादा कैंचियाँ इसी प्रकार से वेल्ड कर दी गई हैं। बहुत ध्यान से वेल्डिंग करनी होती है, वेल्डिंग के लिए ना खाली जगह नहीं छोड़नी आपने इसी, नहीं तो पकड़ आपकी कमज़ोर होगी। और अब आप ये एक दूसरा सीन देखिए, स्ट्रक्चर लगभग बन गया है और अब उसके सहारे जाली वेल्डिंग की जा रही है। इस जाली को साइड से लगाया जा रहा है रिच में, जिससे कि जानवर छत में होते हुए आपके शेड के अंदर ना जा पाएँ। ये 1x1 की जाली है जिसको 1.5 फीट की हाइट पर काट के साइड में वेल्ड किया जा रहा है। और आप देखेंगे कि इसके बाद ऊपर से ना इसमें सीट पड़ जाएगी तो फिर कोई जगह इसमें बचेगी नहीं कि कोई बड़ा जानवर यहाँ से अंदर जा सके। तो इसका विशेष आपने ध्यान रखना है कि जाली पहले लग जाए उसके बाद ही सीट ऊपर लगाएं, वरना सीट लगने के बाद नीचे ना जाली का काम मुश्किल होता है। ये देखिए जो हमारा शेड है ना उसमें साइड से जाली लग रही है, नीचे जहाँ पर पोल्ट्री मुर्गियों को रहना है उसको भी साइड से कवर करना हमने शुरू कर दिया है। और ये जाली को बहुत ही सही से कसना होता है, इसमें बिल्कुल झोल नहीं आना चाहिए। देखिए वेल्डिंग की जा रही है जाली साइड के पाइपों में और ये देखिए इससे खिंचाव, अगर कहीं भी जाली ढीली है तो इससे तनाव उसको दे के और पूरी तरह खींच के फिर से वेल्ड किया जाता है ताकि कहीं भी जाली में झोल ना आए। तो आपको लिए चलता हूँ मैं फिर से छत पर जहाँ पर मिस्त्री काम कर रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अकबर जी नमस्कार। नमस्कार सर। अकबर जी ये रिच आप लगा रहे हैं अभी काफ़ी लंबी लगनी है तो जी, एक साइड हम देख रहे हैं तो दूसरी साइड रख के कैसी लगेगी, जरा एक सीट आप रख के दिखाएंगे क्या? ठीक है सर, क्यों नहीं। साबिर ये उठाना बेटा, फरीद एक मिनट। ये दोनों तरफ लग गई है आप देख रहे हैं, और ये जो बीच में जो गैप है इसका क्या होगा? इसके जॉइंट पे सर पत्रा लगेगा। अच्छा, स्टील का? जी जी। अच्छा, वो किस लिए लगेगा? इसमें से पानी नीचे ना जाए। अच्छा, उसको फिल कर देंगे जी। और इसमें कितने आप बोर्ड कस रहे हैं? इसमें एक चादर में 3 हुक लगेंगे सर। 3 हुक लगेंगे जी। तो फिर ये हवा और उससे इसको उखड़ने का डर बिल्कुल नहीं होगा सर? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि चादर अपने आप में इतनी वेट है और हमारा स्ट्रक्चर भी काफ़ी हैवी है। ओके, तो ये बताइए कि अब ये टोटल कितनी हाइट है जहाँ पर आप ये सीट लगा रहे हैं इसमें? ये सर हो गई हमारी 14.5 फीट। 14.5 फीट पर लग रही जी सेंटर। तो अब नीचे जो शेड में अगर मुर्गियाँ वगैरह रहती हैं तो हम ये उम्मीद करें कि गर्मी अब नीचे नहीं लगेगी? बिल्कुल नहीं सर, ऊपर इससे निकल जाएगी जी, गर्म हमेशा। ये जो साइड में जाली हम देख रहे हैं जी, ये दोनों साइड लगी हुई है जी, तो इसी जाली से एयर निकलनी है, गर्मी पूरी तरीके से निकल जाएगी। अच्छा, तो ये आप इस तरह से दोनों तरफ जो है जी पूरी आर पार सीटें लगा देंगे जी, यहाँ से लेकर कब तक काम पूरा हो जाएगा ये सर? जी ये 2 दिन अभी लग जाएंगे इसमें ऊपर का काम पूरा फाइनल होने में। अच्छा, आज 11 तारीख है यानी कि 13 तारीख तक जी बिल्कुल फाइनल हो जाएगा ऊपर का, मतलब जो भी नट बोल्ट कसना जी जी, नट बोल्ट कसना और रिच की चादर लगना, मच्छर जाली उधर ऑफिस की तरफ लग रही है। हमारे मित्र मनोज बिश जी आए हैं, किच्छा से प्रधान भी हैं। बिश जी बताइए, मनोज जी कैसा लग रहा है सेट देख के? बढ़िया लग रहा है सर, अच्छा लग रहा है जी, नया नया अनुभव है देखने को मिल रहा है। ये टीम भी आपकी किच्छा की है पूरी? अच्छा जी हाँ, मगर अभी जान पहचान नहीं है इनसे भाई लोगों से जी, क्योंकि अब किच्छा ही बहुत बड़ा हो गया है। हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ लुचौड़ा के आपको कैसा लग रहा है पूरा खेत? अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया शांत वातावरण है जी, बहुत बढ़िया लग रहा है। और ये खेतों के बीच हरियाली हरियाली नजर आ रही चारों तरफ जी। ये जो सामने खुला स्थान आप देख रहे हैं जहाँ पर डॉगी भी आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जगह मुर्गियों के चरने के लिए छोड़ी गई है। और स्वेब जी हैं, स्वेब जी बताइए ये अभी एक साइड टीन लग रही है? जी अभी एक साइड टीन लग रही है, उधर मच्छरदानी लगानी है, चक्कर में उधर की अभी रोक दी गई है। अच्छा जी, ये कितने फीट की है ये अगर आप लगा रहे हैं? 4 फीट की। 4 फीट की है जी।
अच्छा, फिर ये जो दूसरी साइड अभी खाली है इधर, इधर भी 4 फीट की आएगी। अच्छा जी, तो ये 4 फीट की लगने का मतलब कितने फीट दूर हो गई जाली से? ये अब ये जाली से तुम्हारी हो गई 2 फीट दूर। 2 फीट दूर। और इतनी इस साइड भी हो जाएगी 2 फीट उधर। अच्छा, और ये जो टिन के ऊपर दोबारा टिन लगाने का जो मकसद आप लगातार बता रहे हैं लोगों को, रिच, यही है रिच? जी यही है रिच। अच्छा, इसका क्या फ़ायदा होगा? इसका ये फ़ायदा होगा, इससे गैस जो हमारी सब जी ऊपर को निकल जाएगी। इससे आपकी गैस निकल रही है या इस ये साइड की? अच्छा, साइड ये देखिए दोस्तों, ये जो रिच है ना उसके बीच में आप ये गैप देख रहे हैं, इस गैप को भी फिल किया जा रहा है। देखिए थोड़ा सा रह गया, मैं आपको दिखा रहा हूँ, मिस्त्री काम कर रहे हैं इस पर। ये देखिए आप, इस तरह से इसको कवर किया जा रहा है। देखिए जैसा थोड़ी देर पहले आपने बातचीत में सुना था कि इस पर पत्रा लगेगा, ये पत्रा ही है जो देखिए दोनों ओर से इसको सील कर रहा है। ये देखिए आप, दूर तक देख रहे हैं, इस तरह से ये लुक आएगा इसका पूरे सेट का ये। और ये देखिए दूसरी छोर पे थोड़ा सा रह गया है, ये काम पूरा होने वाला है। और ये नट से दोनों ओर कसा जा रहा है पत्रे को, ताकि जो बारिश का पानी है ना उस गैप से अंदर ना जाए। आपने देखा पार्ट 7, जिसमें रिच का काम पूरा हो गया है। और सेड आप देखिए अंदर से कैसा लग रहा है, मैं अपने दोस्त से कहूँगा एक बार दिखाएं कि ये जो रिच है ना, ये आप देखिए थोड़ा सा कैमरे को नज़दीक अगर हम ला के दिखाते हैं तो अंदर से कुछ इस तरह से ये स्ट्रक्चर है। जो जाली आप देख रहे हैं ना, इससे जो यहाँ की गर्मी है वो सब बाहर ऑटोमेटिक निकल जाएगी। और अभी जाली और ये जो टीन सेड के बीच में गैप है, यहाँ पर भी ये पत्रा जो आप नीचे पड़ा हुआ देख रहे हैं ये लगना है। मैं इसका फ़ोटो आप देख रहे हैं कैसे लगेगा, ये आपके सामने फ़ोटो चल रहा है। इस तरीके से इस गैप को भी भरा जाएगा ताकि नीचे से कोई जानवर इसमें ना आ सके। तो फाइनली पार्ट 7 में मैंने आपको दिखाया, देखिए दीवारें भी प्लास्टर हो चुकी हैं और ये साइड की जालियाँ देखिए, ये जालियाँ भी लग चुकी हैं। ये जालियाँ देखिए सारी लग गई हैं, ये देखिए आप, बहुत मजबूत 1x1 की जाली, पूरा कवर हो गया है। अब इसमें नीचे सिर्फ प्लास्टर होना है। और ये जो डोर है ना, ये जो डोर हैं ये डोर लगने हैं, और इसके बाद ऑलमोस्ट काम हमारा पूरा हो जाएगा। थोड़ा सा फिनिशिंग का काम है। और जब अब हम आपसे मिलेंगे तो तब मिलेंगे जब सेड में सभी कुछ हो चुका होगा, जब ओपनिंग होगी। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए आप करिए इंतज़ार और लीजिए मेरा नमस्कार।